अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में अड़वी के रूट की सब्जी, जो तारा रूट बोलते हैं, उसकी सब्जी बना रहे। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में राई डाली है। अब राई फूटेगी, हम उसमें हींग डालेंगे और ये सब मसाला डालेंगे, थोड़ा टमाटर और दही डालेंगे। तो ये हमारी राई फूट गई दोस्तों, मैं थोड़ी हींग डाल रही हूँ दोस्तों, और हींग डाल के मैं टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि हींग हम दही डालने वाले इसलिए टमाटर कम डाले हैं। और अब आपको पता है मेरी चॉइस के हिसाब से मैं हल्दी तेल में ही फ्राई करती हूँ, और ये फ्राई हो रहे हैं टमाटर। और जैसे ही टमाटर हो जाएंगे हम उसमें दही डालेंगे। दोस्तों हम ग्रीन मिर्ची को बारीक काट के 1 चम्मच करीबन डाली है, और अब उसको मिर्ची को फ्राई करके हम थोड़ा दही डालेंगे, लेकिन दही फटना नहीं चाहिए दोस्तों। दही को सूरत डाल के हम गैस एकदम स्लो कर देंगे। तो ये मैं 2 चम्मच करीबन दही डाल रही हूँ, और दही को ऐसे ही हम गैस मैंने बंद कर दिया है, दही को थोड़ा ये होने देंगे। ये फटना नहीं चाहिए दोस्तों, इसलिए फास्ट गैस पे दही नहीं डालना है। हमने दही डाल दिया है, अब हम हमारी अड़वी डालेंगे दोस्तों, और सब मसाले, लगभग 1 स्पून धनिया पाउडर और मिर्ची ग्रीन डाली है इसलिए लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा पौने चम्मच, और हल्दी हमने पहले डाल दी, थोड़ी और डालते हैं कलर अच्छा लगता है, और नमक स्वाद अनुसार डाल के हम कुकर की 1 सीटी बजाएंगे। जिससे सब मसाला, अभी थोड़ा मसाले में हमारी अड़वी को पकने देंगे जिससे वो मैरिनेट हो जाएगी, बाद में हम सीटी बजाएंगे बस दोस्तों। तो ये धीरे से गैस चालू है, और हमारी अड़वी जो है वो अभी थोड़ी दही में मैरिनेट हो रही है, और उसके बाद हम उसको बंद करके 1/2 ग्लास पानी डाल के 1 सीटी बजाएंगे। हमारी रसेदार अड़वी की दही वाली सब्जी तैयार हो जाएगी दोस्तों। आप उसमें थोड़ा गरम मसाला भी डालिएगा दोस्तों। देखो मैं डाल रही हूँ बहुत कम, कोई चीज हावी नहीं होनी चाहिए स्वाद में, स्वाद बैलेंस होना चाहिए। हम पता है कि हमारी रसोई में 9 रस होने चाहिए, तो 9 रस का बहुत महत्व है। नहीं तो बेटा ओके बंद कर दोस्तों, ये थोड़ा आमचूर डाल रही हूँ मैं, जिसे थोड़ी खटाई आएगी। यहाँ पे खटाई की इसलिए आवश्यकता है कि ये जो अड़वी है वो खुजली करती है, और उसको खुजली को टालने के लिए इसमें खटाई जरूर गिरनी चाहिए दोस्तों। और अब हम 1/2 ग्लास पानी डाल के 1 सीटी मात्र, ये मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ दोस्तों, देख लो आप, और अब 1 सीटी बजाएंगे, और फिर हम उसमें बहुत सारी धनिया पत्ती डाल के खाएंगे। तो दोस्तों ये कुकर बंद कर दिया मैंने, 1 सीटी बजते ही कुकर बंद हो जाएगा, और फिर हम धनिया पत्ती से डेकोरेट करके खाएंगे। दोस्तों ये आपकी अड़वी की दही वाली सब्जी तैयार है, आ जाइए रोटी के साथ खाते हैं। आ जाइए दोस्तों, अड़वी की दही वाली सिंपल सब्जी, रोटी और गुड़ केरी का अचार।